तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर, जहां आपको शिक्षा संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा की जाती हैं। अगर इस जानकारी के बीच कोई जानकारी छूट जाती है तो आप अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें, जिससे कि उस प्रतिक्रिया से और भी लोगों को लाभ हो सके। आज इस वीडियो के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु बताने जा रहा हूँ, जो कि ये आदेश हुआ है कि यूपी में अगले सत्र से NCERT के पाठ्यक्रम के अनुसार से पढ़ाई होगी, और अगले सत्र में जैसे जैसे सत्र बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ती जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है कि हर कंपटीशन एग्ज़ाम में एग्ज़ाम हो रहे हैं, उसके बाद परीक्षाएं लेट हो रही हैं, इन सब का पाठ्यक्रम कार्यक्रम तो चल ही रहा है, लेकिन जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें NCERT पैटर्न के अनुसार ही आधारित प्रश्न आते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर इस बीच आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो की अपडेट नोटिफिकेशन आप तक सरलता से पहुँचती रहे। तो जो आदेश है उत्तर प्रदेश का, आइए देखते हैं कि आदेश यूपी में अगले सत्र से NCERT के पाठ्यक्रम के अनुसार ही पढ़ाई होगी। तो ये पाठ्यक्रम किस किस विषय में लागू किया गया है, ये बताया गया कि लखनऊ बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में अगले सत्र चरणबद्ध ढंग से NCERT का पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। साथ ही वर्ष 2021 और 22 में कक्षा 1, वर्ष 22-23 में अब देखते जाइए कक्षा 2 व 3, इससे अगले सत्र में 4 व 5, 2024 से 25 में कक्षा 6 से 8 में NCERT पाठ्यक्रम लागू होगा। यह जानकारी शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सचिन चंद्र द्विवेदी ने साझा की है। तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल है। अगर ऐसी इस पहल के तहत कार्यक्रम होता है तो ज़रूर ही जो अपना पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत पढ़ने से आगे कंपटीशन के एग्जामों में बहुत ही मदद मिलेगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।